हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दी क्लास इन आवर लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी अकरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंगी ठीक है उसमें हमने क्या देखा था कि फंगी का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है ठीक है और कहाँ कहाँ पर फंगी देखने को मिलती है उसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सो यियर इन दिस लेक्चर वी आर कंटिन्यूंग विद स्ट्रक्चर ऑफ फंगी फंगी में कुछ स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो दिस इज द टेबल गिवन इन योर टेक्सट बुक ओके मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगी ऑफ वेरियस स्पोर्स एंड हाइफी के अलग अलग स्पोर की मॉर्फोलॉजी दी गई है अलग अलग हाइफी का स्ट्रक्चर दिया गया है कि कौन कौन से टाइप की हाइफी प्रेजेंट है ठीक है सो so, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं कि जो फोंगी में देखने को मिलता है सो बेसिकली हाइफ़ा ठीक है हाइफा के अलग अलग टाइप के होते हैं ए सेप्टेड आइफा सेप्टेड हाइफा एंड स्यूडो हाइफा तो तीनों ही टाइप के हाइफा कौन कौन से यहाँ पर फॉन्गी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है वो यहाँ पर साइड में लिखा है ठीक है ए वन मीन्स ये फिगर में दिया गया है जो हाइफा वो क्या है एसेप्टेड सॉरी सेप्टेड आइफा देन एसेप्ट आइफा इज गिवन इन दी जी वन फंगी ओके जी जी फंगी में जो भी आइफा है वो किस प्रकार का है एसेप्टेड एंड एच फंगी में जो आइफा है वो क्या है सीडो हाइफा ओके सीडो हाइफा का मीनिंग क्या है कि वो एक्चुअल में आइफा नहीं है ठीक है उसका स्ट्रक्चर जो है वो हाइफा का नहीं है बट उसके अंदर अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होंगे ठीक है अगर बडिंग की प्रोसेस के थ्रू जो बर्ड फॉर्म होता है वो सेल से अलग नहीं हुआ है ठीक है वहीं पर जॉइंट रहता है तो वो क्या बनाता है सुडो आइफा ठीक है सो तो आप एज फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आइफा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बट एक्चुअल में उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता है ठीक है और सबका साइटोप्लाज्म अलग अलग होगा एंड बीच में जो सेप्टेट हाइफा है उसमें भी क्या होता है कि सेप्टा है बट वहाँ पर पोर्स प्रेजेंट हो गए जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है ठीक है दोनों ही कंपार्टमेंट के अंदर बट शुडो हाइफा में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होता और वो अलग अलग सेल के रूप में ही वर्क करेगा ठीक है सो इट इज़ नोन एज दूडो हाइफा एक्चुअल में सुडो हाइफा क्या है कि बर्ड फॉर्मेशन के टाइम पर बर्डिंग ईस्ट है तो उसमें बर्ड फॉर्म हो रहे हैं तो वो बर्ड जो है वो रिलीज़ नहीं हुए है ठीक है पेरेंट ईस्ट सेल है या फिर कोई सेल है पेरेंट सेल उसमें से बर्ड रिलीज़ नहीं हुआ है उसके साथ अटैच्ड रहे ठीक है ठीके? तो उसे क्या कहते हैं वो एक हाइफा जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा आगे जाके इट इज नोन एज दी सुडो हाइफा देन स्पोर स्पोर फॉर्मेशन किस किस प्रकार से होता है ठीक है अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से टाइप के स्पोर्ट्स है एंड जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से टाइप के स्पोर फॉर्मेशन की uh, जो है वो देखने को मिलता है ठीक है फंगी में तो उसके बाद उसके भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं दी नंबर इज फॉर दी एसेक्सुअल स्पोर्ट्स ओके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो भी स्पोर फॉर्मेशन होता है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है ठीक है अलग अलग एंड द सेकंड इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक् सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो थ्री नंबर से दिखाया गया है ठीक है सो आप यहाँ पर फिगर में सभी देख सकते हैं चेक कर सकते हैं देन कॉनिडियोफोर एंड स्पोरेंजियोफोर्स ओके ये स्ट्रक्चर क्या है कॉनिडियोस्पोर फोर फोर वो हम आगे डिस्कस करेंगे बट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के कॉनीडियो फोर स्पोर फोर भी दिखाए गए इट इज बेसिकली हाइफी ओके हाइफी जैसा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो कॉनिडियो फोर और स्पोर फोर के रूप में जाना जाता है ठीक है उसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे सो दिस इज दी सम बेजिक स्ट्रक्चर अबाउट दंगी कि फंगी में कौन कौन से प्रकार के स्ट्रक्चर देखे जा सकते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है ठीक है द नेक्स्ट इज द सोमेटिक स्ट्रक्चर्स इन मेनी मोल्ड्स द डिफ्रेंशियेशन ऑफ दी हाइफी में ऑक्कर टू फॉर्म स्पेशल स्ट्रक्चर्स एडेप्टेड टू पर्टिकुलर फंक्शन क्योंकि हाइफी में कुछ मोल्ड्स के अंदर हाइफी में डिफ्रेंशिएशन होता है ठीक है उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं एंड उसमें से स्पेशियल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा ठीक है सो ऐसे जो भी स्ट्रक्चर हाइफी के मॉडिफिकेशन से फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं स्पेशलाइज्ड सोमेटिक स्ट्रक्चर्स ओके बिकॉज दे आर दी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर उनका फंक्शन कोई पर्टिकुलर है सो हियर आर दी सम मॉडिफिकेशन ऑफ दी हाइफी ओके फर्स्ट इज दी होस्टोरिया सेकंड राइजोइड्स थर्ड इज दी एप्रेसोरिया फोर्थ इज दी आइफल्ट्रेप्स एंड फिफ्थ राइजोमो ओके ये पाँचवा स्ट्रक्चर क्या है और किस प्रकार के होते हैं उनका फंक्शन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट इज दी होस्टोरिया फंगल होस्टोरिया आर फीडिंग ऑर्गन्स ओके फीडिंग ऑर्गन्स मीन्स की फंगी जो है वो फूड के लिए ओके एज अ फीडिंग ऑर्गन उसको यूज करती है किसको होस्टोरिया को सो फंगल होस्टोरिया इज आर दी फीडिंग ऑर्गन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी स्पोर्स दैट जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट जनरली लीव्स और स्टीम ओके स्पेसिफिकली प्लांट की सरफेस पर जो भी स्पोर जर्मिनेट होकर उसमें से फंगी ग्रो होती है तो उस टाइम पर होस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है ठीक है होस्टोरिया आर दी ऑर्गन्स फीडिंग ऑर्गन्स देट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पोर्स की जो भी स्पोर ओके okay, फंगी में से स्पोर अलग हुआ वो स्पोर जाके कहाँ पर जर्मिनेट हुआ प्लांट की सरफेस पर तो ऐसे स्पोर्स में होस्टोरिया देखने को मिलता है ठीक है उसमें से जो भी फंगी जनरेट होती है उसमें होस्टोरिया डेवलप होगा जर्मिनेटिंग स्पोर्स में प्रोड्यूस अ पेनिट्रेशन लेग एंड पेनीट्रेट प्लांट सेल वॉल ओके जर्मिनेटिंग स्पोर जो है उसमें से एक हाइफी जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा और इट विल पेनीट्रेट इनसाइड दी सेल वोल ओके प्लांट की सेल वोल के अंदर वो जाके पेनिट्रेट करेगा जो भी हाइफी जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा वो कहाँ पर पेनिट्रेट करता है प्लांट की सेल वोल के अंदर एंड आफ्टर दी पेनिट्रेशन दी हाइफल टिप फॉर्म्स दी इन्वेजिनेशन ओके उसमें इन्वेजिनेशन फॉर्म होगा एंड ब्रांचड स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म हो जाएगा पूरा पूरा हाईफी का ओके एंड विद इन द सेल दैट बिकम्स दी होस्टोरियम ओके okay, सो so यहाँ पर जो ब्रांच स्ट्रक्चर जैसा आई का एंड का जो फॉर्म हुआ है ठीक है एंड के इन्वेजिनेशन से जो फॉर्म हुआ है इट इज़ नोन एज दी होस्टोरियम ओके आप यहाँ पर फिगर में देख सकते होस्टोरियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है प्लांट सेल के अंदर ओके okay, ऊपर फंगल हाइफी है जिसमें से एक ब्रांच जैसा निकल के प्लांट सेल वोल के अंदर पेट हुआ है ओके एंड इट विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द होस्टोरियम ठीक है नाउ द फंगल होस्टोरियम द दूगर एंड अमाइनो एसिड्स इन टू द फंगल सेल फ्रॉम द होस्ट सेल ओके वो फीडिंग ऑर्गन के रूप में वर्क करता है जो भी स्पोर जो है वो प्लांट प्लांट्स के ऊपर स्पोर जो जर्मिनेट हो रहा है उसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी शुगर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो सब जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा होस्टोरिया ओके okay, होस्टोरिया विल एब्जॉर्ब दिस सुगर्स एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम प्लांट सेल एंड इट विल ट्रांसपोर्ट इट टू तो दी फंगल सेल सो so, फंगल सेल को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहाँ पर से मिल जाए ठीक है प्लांट सेल में से उसको तो न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा सो so, होस्टोरिया विल वर्क एज द न्यूट्रिशनल सोर्स ओके okay, उसमें से न्यूट्रिशन जो है वो पास होता है फ़ंगी फंगी तो ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट होस्टोरिया आप होस्टोरिया का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं प्लांट सेल के अंदर होस्टोरिया प्रेजेंट है ठीक है नाउ द सेकंड इज राइजोइड्स ओके राइजोइड्स क्या है राइजोइड्स आर दोर्ट लू ट्राइक थ्री फिलामेंट्स फिलामेंटस ब्रांच ऑफ दस Generally formed in the tufts at the base of the thallus. Okay ये rhizoids basically root like structure है. ठीक है salt root like thin filament. Okay बहुत पतले पतले होंगे और root जैसा structure होगा. ठीक है और वो कहाँ पर present होगा तो at the base of the thallus. Okay पूरा का पूरा जो fungi का structure है उसके नीचे के end पर present होगा end टॉफ्स एट दी बेस ऑफ दी थेलस टॉफ्स का मीनिंग क्या है कि जो अलग अलग हाइफ़ी ऊपर से आ रही है वो सब जहाँ पर बंच होती है ठीक है एक साथ मिलेगी उस रीजन को टॉफ्स कहा जाता है ठीक है जो सभी हाइफ़ी जहाँ पर कंबाइन होती है जहाँ पर मिलती है एक दूसरे से वो क्या है रीजन टफ्ट ओके okay, सो so, टफ्स के रीजन पर ही यहाँ पर राइजोइड्स का फॉर्मेशन भी होता है वहाँ पर ही देखने को मिलता है एंड दे आर दी बेज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ओके सो रूट कहाँ पर होता है बेज पर ही प्रेजेंट होगा जनरली दफ़ राइजोइड इज टू एंकर टू दी सबस्टेटम एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स ओके सबस्ट्रेटम का मीनिंग क्या है कि जो भी सबस्ट्रेट है उसके ऊपर फंगी ग्रो हो रही है ठीक है जिसके ऊपर भी ग्रो हो रही है फंगी उसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है सो so, सबस्टेटम के साथ एंकर करने के लिए उसके साथ अटैच होने के लिए राइजोइड्स का यूज होगा ठीक है राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है सो सबस्ट्रेट में पेनिट्रेट हो जाएगा और वहाँ पर अपनी जगह फिक्स कर देता है ठीक है फंगी को वहाँ पर अटैच कर देता है उस सरफेस के ऊपर एंड एब्जॉर्ब दी न्यूट्रिएंट्स ओके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर है रूट का फंक्शन क्या होता है कि जमीन में से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है रूट सो so, उसी प्रकार राइजोइड्स भी क्या करेंगे कि सबस्ट्रेटम में से सभी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे जो भी फंगी को ग्रोथ के लिए चाहिए वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बन में हेल्प करते हैं राइजोइड्स दे आर फाउंड इन राइजोपोस। ओके राइजोपोस वन टाइप ऑफ दी फंगस कि जिसके अंदर राइजोइड्स देखने को मिलते हैं ओके सो दिस इज अबाउट दी राइजोइड्स आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नीचे रूट जैसा स्ट्रक्चर है वो क्या है राइजोइड्स ओके एंड सबसे ऊपर क्या है स्पोरेंजियम मींस कि जिसमें से स्पोर फॉर्मेशन होता है पूरा का पूरा ऐसा बंच जैसा होगा कि जिसमें से स्पोर्स अलग अलग सिंथेसिस हो गए ठीक है स्पोर का सिंथेसिस होता है स्पोरेंजियम में एंड स्पोरनजियो फोर क्या है कि जो स्पोरेंजियम को बाकी कंटेनिंग uh, जो आईफी है उसे स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है ठीक है जो इस भी आईफी के ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट है उस हाइफी को स्पोरेंजियो फोर कहा जाता है क्लियर सो दिस इज अबाउट द राइजोइड्स याद क्या रखना है आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है नेक्स्ट इज द देशोरिया ओके एप्रेशरिया आर एसोसिएटेड विद द प्लांट पैरासाइटिक मोल्ड्स सौ चेज दी रस्ट पाउडरी मिल्टे एक्सेट्रा ओके यहाँ पर पैरासाइटिक uh, मोल्ड्स है ठीक है प्लांट पैरासाइटिक मोल्ड्स के साथ एसोसिएटेड है ओस्टेरिया जो स्ट्रक्चर है वो, वो किसके साथ एसोसिएटेड है प्लांट पैरासाइटिक मोल्ड्स मींस प्लांट के साथ जो भी प्लांट के अंदर जो भी मोल्ड ग्रो होती है ठीक है प्लांट के अंदर वहाँ पर जो है वो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एप्रेसोरिया का सो so, एप्रेसोरिया आर एसोसिएटेड विद दी प्लांट पैरासाइटिक मोल्ड सच एज दी रस्ट पाउडरी मिल्ड्यूस ओके okay, ये दोनों क्या है एग्जाम्पल्स है कि जो पैरासाइटिक मोल्ड है प्लांट के अंदर जो भी मोल्ड प्रेजेंट होती है उसके एग्जाम्पल्स है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू इन्फेक्ट द होस्ट प्लांट ओके होस्ट प्लांट को प्लांट के अंदर इन्फेक्शन के लिए पर्टिकुलरली ये स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है ठीक है प्रेसोरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन इनसाइड प्लांट इट इज फ्लेटन हाइफल प्रेसिंग ऑर्गन फ्रॉम विच द माइन्यूट इन्फेक्शन पेग ग्रोज एंड एंटर्स टू द होस्ट ओके ये क्या है फ्लेटर्ड प्रेसिंग है है ठीक के एंड पर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा कि जिसमें से एक इन्फेक्शन पैग निकलता है ठीक है आइफी जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा एंड इट विल इन्फेक्ट दी होस्ट सेल प्लांट सेल के अंदर जाकर उसको इन्फेक्ट करेगा सो रोज एंड एंटर्स दी होस्ट सेल ओके होस्ट सेल के अंदर जाके वहां पर इन्फेक्शन करता है एंड दे एडेड टू दस्ट सरफेस हेल्प द इन्फेक्शन हाइफी इन पेनिट्रेशन ओके होस्ट सरफेस के साथ एडहेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एप्रेसोरिया है वो ठीक है होस्ट सेल यानी कि प्लांट सेल के साथ फंगी को अटैच होने के लिए हेल्प करेगा एप्रेसोरिया एंड प्लस पेन्यूट्रेशन में भी हेल्प करता है उसमें से एक हाइफी निकला है ठीक है इन्फेक्शन पेग उसमें से निकलता है सो so, वो इन्फेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ठीक है प्लांट के अंदर फंगी का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन के लिए भी एप्रेसोरिया रिस्पॉन्सिबल है सो so आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं एप्रेसोरिया का स्ट्रक्चर दिया है देन उसके नीचे क्या है इन्फेक्शन पैग ओके उसमें से जो आईफी निकली है वो एंड वो सेल के अंदर पेनिट्रेट होती है एंड पेनिट्रेट होने के बाद क्या फॉर्म होता है सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इट इज़ नोन एज दी होस्टेरियम ओके जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था हॉस्टेरिया सो so, ए, एप्रेसोरियम में से इन्फेक्शन पैग निकलता है ठीक है काइफी जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा जो प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता है एंड प्लांट के अंदर प्लांट सेल के अंदर पेनिट्रेट होने के बाद उसे क्या कहा जाता है होस्टोरियम ओके द नेक्स्ट इज हाइफल ट्रैप्स ओके हाइफल ट्रैप का मीनिंग क्या है कि जो हाइफी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर सकता है ठीक है हाइफी के द्वारा फंगी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी ट्रैप कर सकती है सो नेमेटोड स्टेपिंग फंगी और नेमेटोफाजियस फंगी ओके फंगी विच स्टेप्स दी नेमेटोड्स ओके नेमेटोड को स्टेप करती है ऐसी फंगी जो है दे आर कार्निवोरस फंगी ओके कार्निवोरस का मीनिंग क्या है कि जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करती है अपने ग्रोथ के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए और एज अ फूड दूसरे एनिमल को कंज्यूम करती है उसे क्या कहते हैं कार्निवोरस फंगी ओके सो कार्निवल फंगी दैट हैव दी डेवलप्ड मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट इनेबल टू सक्सेसफुली ट्रैप एंड कंज्यूम नेमेटोड्स ओके नेमेटोड्स जो है उसको ट्रैप करने के लिए और उसको कंज्यूम करने के लिए फंगी ने बहुत सारी ऐसी मेथड्स एंड स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं ठीक है फंगी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं कि जो फंग दूसरे ऑर्गेनिज्म को लाइक नेमेटोड्स ओके राउंड वोम उसको ट्रैप करने के लिए हेल्प करते हैं ठीक है थीके? उसको ट्रैप करने में हेल्प करेंगे तो फंगी यूज मैनी मेथड्स इन ऑर्डर टू कैप्चर देयर प्रे प्रे यानी कि जो शिकार है उसका ठीक है उस जो, जो भी ऑर्गेनिज्म को वो एज अ फूड यूज कर रही है उसको ट्रैप करने के लिए फंगी के पास बहुत सारी मेथड्स हैं एंड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं फंगी के अंदर सो दिस आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ द फंगी डेक्टीलेरिया कैंडिडा Dectyl ellipsophora and next is the Arthrobotrys robusta, Macrosporium. Okay, these all are the examples of this kind of the fungi. Now, the next is the hyphal rings. Okay, there are two type of the structures for the hyphal trap. Okay, first hyphal ring, second is the adhesive hyphae. ओके हाइफल रिंग का मीनिंग क्या है वन मेथड यूज्ड बाय द फंगी टू द द नेमेटोड्स इज फंगल रिंग रिंग ओके जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है फंगी इट इज वन मेथड टू ट्रेप प्रे ओके जिसको एज अ फूड यूज करना करना है फंगी को उसे ट्रैप करने के लिए एक मेथड क्या है हाइफल रिंग और एक ऐसा स्ट्रक्चर जो फंगी के पास प्रेजेंट है वो क्या है हाइफल रिंग ओके द फंगस प्रोड्यूस इज हाइफी देट एंड इन दी ओपन कॉन्स्ट्रिक्टिंग लूप ओके फंगी के पास ऐसी एक हाइफी होगी कि जिसका एंड जो है वो कैसा होगा लूप लाइक स्ट्रक्चर होगा ठीक है और इट कैन बी कंस्ट्रिक्टेड उसमें स, उसको संकोचन भी हो सकता है ठीक है उसका कंस्ट्रिक्शन भी हो सकता है ऐसा एक लूप हाइफी के एंड पर प्रेजेंट होगा सो वेन दैमेटोड स्विम्स थ्रू दिस लूप ओके ये लूप के अंदर से जब नेमेटोड पास होगा तो उस टाइम पर क्या होगा द डायमीटर ऑफ द इनसाइड ऑफ द लूप टू नेरो एंड इंटर्न कॉन्स्ट्रक्शन अराउंड द नेमेटोड्स ओके उस लूप का कॉन्स्ट्रक्शन होगा एंड नेमेटोड को वो वहाँ पर ट्रेप कर लेगा ठीक है रिंग का डायमीटर जो है वो डिक्रीज होने लगेगा एंड नेमेटोड का वहाँ पर ट्रेपिंग हो जाएगा ठीक है टाइटली नेमेटोड को ट्रेप कर लेता है ये रिंग जो फॉर्म हुई है वो ठीक है सो आइफल रिंग इज अ वन टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फंगी which helps in the uh, capturing of their food okay their prey. The second is the adhesive hyphae, which means some fungi creates the adhesive knobs or nets out of the adhesive hyphae okay jo adhesive hyphae hai wo kya hai कि कुछ fungi के अंदर ऐसा structure present हो गया जैसे net जैसा structure form करते हैं और knob knob का meaning क्या है कि बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो गए एक साथ ठीक है सो सम फंगी क्रिएट्स दूब्स और दी नेट्स आउट ऑफ द एडेसिव हाइफी इसका फंक्शन क्या होगा कि द फंगस क्रिएट्स दी सच स्ट्रक्चर्स इन ऑर्डर टू ट्रेप द नेमेटोड विद इन दी स्ट्रक्चर ओके ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नेट जैसा या फॉर्म करेगी फंगी कि कोई भी नेमेटोड उसमें से पास हो तो वहाँ पर क्या हो जाए उसका स्ट्रेपिंग हो जाएगा ठीक है वो स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार का होगा कि वो किसी भी मेटोड को या फिर ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर स्ट्रेप कर सकता है ठीक है सो दे आर नॉन एज दी एडेसिव हाइफी उसके साथ अटैच हो जाएगा स्ट्रक्चर वो वहाँ से फिर विल भी नहीं सकेगा ठीक है सो इट इज नॉन एज द एडेसिव हाइफी ओके दिस आर टू स्ट्रक्चर्स फाउंड इन दी फंगी फॉर दी ट्रेपिंग ऑफ देयर नेमेटोड्स सो हियर इन दिस फिगर यू कैन सी की राउंड फॉर्म को हाइफी ने ट्रेप किया है ठीक है यहाँ पर एक राउंड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इट इज हाइफल रिंग ओके हाइफल रिंग जिसमें से नेमेटोड पास हो रहा था और वहां पर ट्रेप हो गया है ठीक है उसका स्ट्रक्चर है इस फिगर में नाउ द नेक्स्ट एंड फिफ्थ इज द राइजोम ऑफ्स ओके okay, राइजोमोल्फ क्या है इन मेनी रूट इन्वेडिंग और वुड डिस्ट्रॉइंग मॉल्स द हाइफी आर एग्रीगेटेड लॉन्जिटोर इन वेरिंग डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन सच अ वे दैट दी हाइफी लोज देयर आइडेंटिटी ओके इंडिविजुअलिटी एंड फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स टिश्यू देट फॉर्म्स दी ऑर्गन ऑफ माइसेलिया माइग्रेशन एंड फूड ट्रांसपोर्ट ओके बहुत सारी मॉल्ड के अंदर क्या होता है कि हाइफी बहुत सारी हाइफी एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाएगी ठीक है उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगी दैट आईफी विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी ओके एक एक आईफी का इंडिविजुअल कोई अस्तित्व नहीं रहेगा ठीक है सभी एक दूसरे के साथ मर जो के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एंड दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज दी नाउ टिश्यू ओके okay, टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा विच हेल्प इन दी विच इज दी ऑर्ग विच फॉर्म्स दी ऑर्गन ऑफ दी माइसेलिया माइग्रेशन एंड फूड ट्रांसपोर्ट ओके यहाँ पर जो टिश्यू या फिर ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो माइग्रेशन में हेल्प करेगा ठीक है जो भी मोल्ड है उसके माइग्रेशन में वो हेल्प करता है फंगी के माइग्रेशन में प्लस इन दी फूड ट्रांसपोर्ट ओके okay, दूसरे ऑर्गेनिज्म में से फूड को अगर ट्रांसपोर्ट करना है ठीक है प्लांट सेल में से फूड को एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करना है तो उसमें भी ये ऑर्गन हेल्प करेगा ओके सो राइजोमोर्फ्स क्या है कि टिश्यू स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय दी, दी एग्रीगेशन ऑफ दी मेनी हाइफी इज नोन एज दी राइजोमोव ओके राइजोमोव समझ में आया बहुत सारी आईफी एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू या फिर ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसमें इधर तो एक आईफी जो प्रेजेंट होती है उन सबकी इंडिविजुअलिटी यानी कि उन सिंगल हाइफी का कोई अस्तित्व नहीं रहता ठीक है सब एक दूसरे के साथ मौर्य एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा इट इज़ नोन एज दी राइजोमोव सच ए टिश्यू इज नोन एज द राइसोमोफ्स एंड बिकॉज ऑफ द रिसेम्बलेंस टू इट्स टिप्स टू दट ऑफ द रूट टिप ओके राइजोमोफ्स किसके साथ रिसेंबलेंस है उसका रूट की टिप के साथ भी सिमिलर होगा ठीक है रूट जैसा स्ट्रक्चर है सो इट इज नोन एज द राइफो रोमोव्स यर इज द एग्जाम्पल ऑफ द सच फॉन्गी विच सोज द राइजोमोफ्स द आर्मीलेरिया ला मेली ओके आर्मी लेरिए ला मेली इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द राइजोम ऑफ कंटेनिंग फोंगी सो द अल्ट्रा स्ट्रक्चर द सेल ऑफ द फोंगी आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दोज ऑफ मेनी अदर यूकेरेटिक ऑर्गेनिज्म ओके फंगी का जो सेल है वो यूकेरिटिक ऑर्गेनिज्म के सेल के साथ सिमिलर ही होता है सो द सेल ऑफ द दूनी सेल इज द यूनि न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड ओके यूनि न्यूक्लिएटेड सेल होगा या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल भी हो सकता है फ़ंगी का एंड दी न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय दी डबल मेम्ब्रेन एंड टिपिकली कंटेन्स दी वन न्यूक्लियोलस ओके डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होगा न्यूक्लियस ओके न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा एंड इट कंटेन्स दी वन न्यूक्लियोलस ओके okay, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है ये हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फंगी के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा ठीक है सेल के अंदर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा इन एडिशन टू द न्यूक्लियस वेरियस ऑर्गेनिज सच एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम गोल्गी एपेरेटस राइजो राइबोजोम्स माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड लाइपोसोम्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म ओके okay, साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा भी ऐसी सब ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होगी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा ठीक है सो बाकी के जो यूकेरोटिक सेल है उसी की तरह फंगी का सेल भी उसके साथ सिमिलर होगा ठीक है इन बिट्वीन द्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा लेमा का मीनिंग क्या है सेल मेम्ब्रेन ओके सेल मेम्ब्रेन फंगी की जो है उसे क्या कहते हैं प्लाज्मा लेमा एंड सेल वॉल और एट द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा लेमा सम स्ट्रक्चर्स हैव बीन रिपोर्टेड इन सम मोल्ड्स, ओके सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में या फिर सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर कुछ ऐसे अलग मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कुछ मोल्ड के अंदर ओके दे आर नोन एज द लोमाजोम्स ओके लोमाजोम्स मीन्स कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट होगा ठीक है और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे क्या कहते हैं लोमाजोम्स एंड अपियरेंस ऑफ द लोमाजोम्स में भी डिस्क्रीट वेसिकल्स दें स्फेरिकल ओवॉइड ट्यूबुलर सेप या फिर इवन लेयर्स ऑफ द इन्वेजिनेटेड और कंसेंट्रिकली अरेंज्ड मेम्ब्रेन्स ओके इन्वेजिनेटेड मेम्ब्रेन जैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है सो so, ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है ओडी सेप का भी स्ट्रक्चर हो सकता है लोमाजोम्स का ट्यूब्युलर सेप का भी हो सकता है सो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन ही होगा बट उसके बाहर की साइड ठीक है बाहर के साइड सेल वॉल की साइड पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ इन्वेजिनेशन जैसा फॉर्म होके उसमें से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इट इज़ नोन एज दी लोमाजोम्स ओके वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ क्लियर सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ दी फंगी ओके हमने अकरेंस के बारे में डिस्कस किया उसके बाद फंगी के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फंगी में प्रेजेंट होते हैं तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया क्लियर दिस मच सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी रिप्रोडक्शन इनसाइड साइड फंगी ओके फंगी के अंदर रिप्रोडक्शन की क्या क्या मेथड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे ओके सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क कमेंट बॉक्स थैंक यू